हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है दीप सच इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स को डिफरेंट डिजाइन कलर कैसे दे सकते हैं और उसमें हम एनिमेशंस कैसे डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइड्स बना रखे हैं, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें मैंने यहाँ फर्स्ट स्लाइड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बना रखे हैं। कुछ यहाँ तक सिक्स स्लाइड्स हैं, ठीक है, जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स दे रखे हैं। तो मैं आपको चेंज करना बताती हूँ, आप हर स्लाइड्स पे चेंज कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जिस भी स्लाइड को सिलेक्ट करना है, जिस पे भी आपको अप्लाई करना है, आप यहाँ से डिजाइन ऑप्शन में जाएंगे। फ्रेंड्स डिजाइन ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके थीम्स आ चुके हैं, ये सारे आपके थीम्स हैं। अगर देखिए आप इन थीम्स में से किसी पे भी आप नॉर्मली लेफ्ट क्लिक करते हैं तो सेम जो डिजाइन है वो ओवरऑल जितने भी आपके प्रेजेंटेशन पेज है सब पे अप्लाई होगा एक साइज का। मतलब जो भी आपने ये डिजाइन लिया है वो सभी स्लाइड्स पे एक जैसा डिजाइन अप्लाई हो जाएगा, एक जैसे कलर्स अप्लाई हो जाएंगे बैकग्राउंड का, ठीक है। अगर आप चाहते कि सिर्फ फर्स्ट पेज पे हो, सेकंड पे डिफरेंट हो, थर्ड पे डिफरेंट हो, तो आपको मैन्युअली हर पेज के लिए सिलेक्शन देना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे तो देखिए एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, एक आ रहा है अप्लाई टू ऑल स्लाइड और एक आ रहा है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। अगर सिर्फ हम इसी पे चाहते कि इसी पे अप्लाई हो तो हम यहाँ से लेफ्ट क्लिक करेंगे अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। अगर आपको सभी पे सेम डिजाइन चाहिए तो आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे अप्लाई टू ऑल स्लाइड, या नॉर्मली आप लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं तब भी आपका अप्लाई हो जाएगा। मुझे भी सिर्फ एक पे चाहिए तो मैं यहाँ से यूज करूंगी अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। ओके, तो देखिए आपका जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन जैसा भी मैंने लिया था वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ऐसे आप सेकंड पेज के लिए आप चेंज करना चाहते हैं तो जो भी आप यहाँ से स्टाइल लेना चाहते हैं आप सेलेक्ट करें, आप डायरेक्टली यहाँ से भी राइट क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो आपका जो सिलेक्टेड है सिर्फ उसी पे चेंज हो रहा होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स जिस पे मैंने सिलेक्ट किया वही चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप सभी स्लाइड्स पे आप अलग अलग कलर्स थीम्स दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कलर सही नहीं लग रहा तो आप यहाँ से सिंपली इनका कलर चेंज कर सकते हैं।